हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद सरफराज। मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सोशल साइंस की क्लास को चला रहे हैं और आज का क्लास लाइव नहीं है क्योंकि नेट की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से यह क्लास रिकॉर्डेड है। और हम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ रहे थे, जिसमें हम गांधी युग की बात करेंगे, जिससे हम इसके पहले हमने उग्रवादी और उदारवादी नेताओं के द्वारा जो आंदोलन हुए उसे हमने देख लिया था। आज हम गांधी जी द्वारा जो आंदोलन हुए, यह आंदोलन 1919 से लेकर 1947 तक गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन चला। चलिए हम गांधी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर हम उनके द्वारा चलाए गए या उनके द्वारा भाग लिए गए आंदोलन पे आते हैं। तो जो गांधी जी का जन्म हुआ, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। कहाँ पे हुआ? पोरबंदर गुजरात राज्य में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। यह 1989 से 91 तक, यह 1889 से लेकर 1891 तक कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड जाते हैं और 1891 में वह भारत वापस आते हैं और वह भारत में क्या करते हैं, अपना प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। गुजरात में इनके एक अब्दुल्ला नाम के दोस्त थे, गांधी जी के अब्दुल्ला नाम के एक दोस्त थे जो गुजरात के एक बड़े व्यापारी थे और वह अफ्रीका से व्यापार करते थे। अफ्रीका में उनका कुछ केस चल रहा था तो उन्होंने गांधी जी को अपने वकील के रूप में अफ्रीका भेजते हैं। यह अफ्रीका कब भेजते हैं? तो 1893 में गांधी जी जाते हैं कहाँ पे? अफ्रीका। और जब वह अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ पर वह देखते हैं कि भारतीयों के साथ वहाँ क्या होता है, भेदभाव होता है। अब उनके साथ एक घटना स्वयं घटती है। क्या होता है कि वह ट्रेन से डर्बन से प्रिटोरिया, दो शहर है यहाँ पे, यह ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और वहाँ नियम यह था कि भारतीयों को प्रथम श्रेणी में स्थान नहीं था। वहां पर गांधी जी ने वो तो टिकट लेके ट्रेन में बैठ जाते हैं प्रथम श्रेणी में, लेकिन जब एक आदमी वहां बैठा, जब उसे मालूम चलता है कि यह भारतीय है तो वो वहां से ट्रेन से गांधी जी को धक्का देके निकाल देता है। वह व्यक्ति मोरिसबर्ग नामक स्थान पे, कहां पे? मोरिसबर्ग नामक स्थान पर ट्रेन रुकवा कर गांधी जी को निकाल देता है। और गांधी जी यहाँ पे अफ्रीका में टॉलस्टॉय नामक व्यक्ति से प्रभावित होते हैं और इन्होंने यहीं पर पहली बार जो सत्याग्रह किया वह अफ्रीका में ही किया 1906 में। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह अफ्रीका में किया और 1906 में किया। फिर वहाँ पे बहुत सारे काम करते, जैसे उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 1904 में, उन्होंने फिनिक्स नाम आश्रम की स्थापना की। और गांधी जी 9 जनवरी को कहाँ आते हैं? 9 जनवरी 1915 को वह भारत आते हैं और इन्हीं के आने के रूप में यहाँ पे 9 जनवरी को प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके पहले भी गांधी जी 1901 में कुछ समय के लिए भारत आए थे और उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में भाग भी लिया था, लेकिन वह पूर्ण रूप से भारत 1915 में आए थे 9 जनवरी को, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम देखते हैं गांधी जी के गुरु कौन थे। तो आप सबको तो मालूम ही होगा कि गांधी जी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण खोगले था। क्या था? गोपाल कृष्ण खोगले। गांधी जी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण खोगले था और गोपाल कृष्ण खोगले के जो गुरु थे उनका नाम एमजी रनाडे था। मतलब गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण खोगले और गोपाल कृष्ण खोगले के गुरु एमजी रनाडे, तो यह 3 पीढ़ियां हुई। और इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी। उन्होंने क्या किया, भारतीय जो सेना थी या जो भारत के थे उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, इसीलिए गांधी जी को अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि देते हैं।
चलिए अब हम देखते हैं, ये तो गांधी जी के जीवन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। अब हम देखते हैं कि गांधी जी द्वारा कौन कौन सा आंदोलन किया गया और इसमें क्या प्रमुख है, चलिए देखते हैं। और आपके सिलेबस में भी ये है, खिलाफत आंदोलन। तो जो खिलाफत आंदोलन हुआ, यह खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। अब देखिए खिलाफत आंदोलन जो इसकी शुरुआत थी, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो थी वह तो 1918 में ही हो गई थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1918 में ही हो गई थी। इसमें मोहम्मद अली, शौकत अली और अफजल अली खां, कौन, मोहम्मद अली, शौकत अली, अजमल अली खां प्रमुख नेता थे। यह आंदोलन तुर्की के खलीफा से संबंधित था, यह आंदोलन तुर्की के खलीफा से संबंधित था। गांधी जी इस आंदोलन में शामिल होते हैं और इसे हिंदू मुस्लिम एकता व राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देते हैं। जब गांधी जी इस खिलाफत आंदोलन में शामिल होते हैं तो इसे क्या, हिंदू मुस्लिम का एकता और राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दे देते हैं। और यही आंदोलन को 23 नवंबर 1919 डेट याद रखिएगा आप, 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत समिति बनाते हैं। इसी आंदोलन में अखिल भारतीय खिलाफत समिति 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत समिति बनाते हैं और गांधी जी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष कौन बनता है, गांधी जी इस समिति के अध्यक्ष बन जाते हैं। और क्या होता है, 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाने की बात हुई, क्या हुआ, 31 अगस्त डेट याद रखिएगा आप, 31 अगस्त 1919 से ही इसे क्या, खिलाफत दिवस के रूप में मनाने की बात की जाती है। इसी बीच 1919 में कलकत्ता का कांग्रेस का विशेष अधिवेशन चल रहा था, अधिवेशन बुलाया जाता है और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया जाता है। और इसी आंदोलन में इसी अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में बदल दिया। क्या किया गांधी जी ने, इसी खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में बदल देते हैं। और फिर नागपुर में एक सामान्य अधिवेशन होता है और अध्यक्ष वीर राघवचारी होते हैं, कौन, वीर राघवचारी। और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पूरी तरह से पास हो जाता है, इसी खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में बदल दिया जाता है और इसे इस नागपुर के अधिवेशन में इसे पूरी तरह से पारित कर दिया जाता है। यह गांधी जी का पहला बड़ा व राष्ट्रीय आंदोलन था जो 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ होता है। अभी देखिए खिलाफत आंदोलन था, अब यही खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन का रूप लेता है। देखिए कैसे, ये जो खिलाफत आंदोलन था ये किसे बदलता है, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब होता है, 1 अगस्त 1920, आप डेट याद रखते चलिएगा, 1 अगस्त 1920 जो था यह असहयोग आंदोलन इसी डेट से प्रारंभ होता है। और 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, इसी तारीख को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। ये क्या थे, यह गरम दल के नेता थे, यह उग्रवादी नेता थे। इस आंदोलन में पूरी तरह भारतीयों ने अंग्रेजों को सहयोग देने से मना कर दिया, क्या करते हैं, असहयोग मतलब सहयोग न करना। तो इस आंदोलन में जो भारतीय थे, जो अंग्रेज के लिए काम करते थे, उन्होंने पूरी तरह से अंग्रेजों का काम करने से मना कर दिया। इसी समय गोरखपुर में किसानों पर शांतिपूर्वक विरोध करने के कारण अंग्रेज सिपाही किसानों पर गोली चलाते हैं और जब गोली चलती है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और इसी गुस्से में लोगों ने पुलिस चौकी को जला देते हैं, किसको, पुलिस चौकी को जला देते हैं और लगभग 20 से 21 अंग्रेज सिपाही की मृत्यु हो जाती है। गांधी जी का मानना था कि हम अहिंसा के बल पे स्वतंत्र होंगे, लेकिन
यहाँ पे हिंसा होती है और गोरखपुर के में जो किसान थे वह क्या करते हैं, पुलिस चौकी को फूंक देते हैं, उसमें लगभग 10-20 से 21 जो सिपाही थे अंग्रेज उनकी मृत्यु हो जाती है। इसे चौरी चौरा कांड कहते हैं, यही क्या कहलाता है, चौरा चौरी कांड कहलाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपको असहयोग आंदोलन हो गया। अब इसी से हम बढ़ते हैं आगे, तो आता है चौरी चौरा कांड, ये कब होता है इसे देखते हैं हम। चौरी चौरा कांड यह होता है 5 फरवरी, पांच फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। आपको हम पहले ही बता दिए, यह घटना असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ था जो गोरखपुर में हुआ। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि गांधी जी नाराज हो जाते हैं कि मेरा मतलब उनका मानना ये था कि हम अहिंसा पे रहेंगे, लेकिन लोग हिंसा पे उतर आए और क्या किए, उन्होंने पुलिस चौकी को फूंक दिया जिसमें बहुत सारे लोग मार दिए गए। इससे गांधी जी नाराज होते हैं और वह क्या करते हैं, गांधी जी ने बारदौली में 12 फरवरी 1922, कहां पे, बारदौली 12 फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। गांधी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन समाप्त कर देते हैं। अब देखिए, खिलाफत जो आंदोलन था वह असहयोग से जुड़ा हुआ था, असहयोग आंदोलन से क्या जुड़ा हुआ था, आपका चौरी चौरा कांड जुड़ा हुआ था। फिर चौरी चौरा कांड होने के नाते असहयोग आंदोलन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब हम 1922 के बाद जो अगला आंदोलन होता है क्या होता है, साइमन कमीशन आता है। कब आता है उसे देखते हैं हम। साइमन कमीशन 1927 भारत में आता है। कब आता है, 1927 में यह भारत आता है। 1919 के अधिनियम, जो 1919 में अधिनियम आया था उसकी समीक्षा हेतु यह आया था। इसका विरोध किया गया क्योंकि इसमें सारे सदस्य जो थे वह अंग्रेज थे और इसी समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। कब होती है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु होती है 17 नवंबर 1928। इसी समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु पंजाब में इनकी सर पे लाठी लगने की वजह से होती है। साइमन कमीशन दो बार भारत आया था, एक बार तो वह 1927 में आया, फिर दूसरी बार वह 1928 में आया। भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन का स्वागत किया था, याद रखिएगा, भारत के नेता भीमराव अंबेडकर ने ही साइमन कमीशन का स्वागत किया था। चलिए आगे देखते हैं, ये तो हो गया आपका साइमन कमीशन, ये कब आया, इसका विरोध किस कारण हुआ और इस समय ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं, आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है यह कब होता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। कब, 1930 में, इसी समय दांडी मार्च प्रारंभ होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही दांडी मार्च प्रारंभ होता है। दांडी मार्च, ध्यान रखिएगा आप, दांडी मार्च का प्रारंभ होता है, तो दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक क्या होता है, चलता है। अब आगे देखते हैं, दांडी मार्च हमने देख लिया, 12 मार्च से 6 अप्रैल चलता है। हरिजन नामक पत्र गांधी जी निकालते हैं, क्या, हरिजन नामक पत्र, जो हरिजन पत्र था इसमें गांधी जी की कुल 11 मांगे थी।
गांधी जी की कुल 11 मांगे थी और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होता है। इसी हरिजन पत्र में 11 मांग रखते हैं और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने का डेट भी क्या था, 12 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होता है। इस आंदोलन द्वारा ब्रिटिश कानून को मानने से सीधा मना कर दिया जाता है। अवज्ञा करते हैं, क्या करते हैं, अवज्ञा मतलब उनकी आज्ञा नहीं मानते हैं, उनके द्वारा बनाए गए कानून को वो नहीं मानते हैं और इसका वो क्या करते हैं, विरोध कर देते हैं या सीधा मना कर देते हैं। यही हमारा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी आंदोलन का पार्ट था हमारा दांडी मार्च, जो हमने देख लिया, जो 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल 1930 तक चलता है, जिसे नमक कानून भी कहते हैं। इसे नमक बना के तोड़ा गया था गांधी जी साबरमती आश्रम से। कहां से, साबरमती आश्रम से चलते हैं यह पैदल 78 लोगों के साथ, साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ यह पैदल दांडी मार्च की प्रारंभ करते हैं। तो ये हो गया आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी में हम दांडी मार्च को देख लिए और हरिजन पत्र को भी इसमें हमने देख लिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसी में, अब हम आते हैं गोलमेज सम्मेलन पे, जो कि आज आपके सिलेबस में है। देखते हैं हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब देखिए गांधी युग में ही गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत होती है। अब गोलमेज सम्मेलन क्या था, यह कब कब हुआ और भारत के किन किन नेताओं ने इसमें भाग लिया, तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था यह 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चलती है। कब तक, 12 नवंबर 1930 से लेकर, कहां से, 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक यह चलता है। और यह जो सम्मेलन होता है कहाँ पे होता है, यह इंग्लैंड में होता है। यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन की डेट यह है 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1930 तक। इसमें कुल 89 सदस्य भाग लेते हैं। कितने, कुल 89 सदस्य इसमें क्या लेते हैं, 89 सदस्य भाग लेते हैं। इसमें कांग्रेस, जो भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने भाग नहीं लिया और यह जो सम्मेलन था यह पूरी तरह से हम कह सकते हैं फ्लॉप रहा, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब देखिए इसी बीच होता है क्या, गांधी इरविन समझौता होता है। ये भी आपके सिलेबस में है, गांधी इरविन समझौता। अब देखते हैं गांधी इरविन समझौता है क्या, यह कब हुआ, तो जो गांधी इरविन समझौता था वह 5 मार्च 1931 में होता है। कब होता है, 5 मार्च 1931 में होता है। अब आगे देखते हैं यह समझौता गांधी और इरविन जो इंग्लैंड का था इनके बीच हुआ। यह तो हो गया गांधी इरविन समझौता। आगे देखते हैं हम दूसरा सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन इसकी डेट क्या थी, तो यह 7 सितंबर 1931 से लेकर 7 दिसंबर 1931 तक चलता है। और इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से, याद रखिएगा सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लेते हैं और गांधी जी एस एस राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचते हैं। इसी सम्मेलन में फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को अर्धनंगे फकीर की संज्ञा दी और यह सम्मेलन भी फ्लॉप रहा, इसकी सम्मेलन की कोई भी नतीजा नहीं निकला।
चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। जैसे प्रथम हुआ, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। हम जो ये समय है, समय के क्रम चल रहे हैं। जैसे फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर इसके बाद क्या आता है, पूना समझौता। यह भी आपके सिलेबस में है, इसे पूना पैक्ट या पूना सम्मेलन या पूना समझौता के नाम से जानते हैं, पूना समझौता। पूना समझौता यह कब होता है, तो पूना समझौता 26 सितंबर 1932 कब, 26 सितंबर 1932 को होता है। अरे देखिए इसमें होता क्या है, इसमें अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता है। इस समझौते के मध्य क्या होता है, इसमें प्रांतीय विधानसभा में हरिजनों की सीटों की संख्या, क्या कहते हैं, प्रांतीय विधानसभा में हरिजनों के सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी जाती है। कितना, 71 से बढ़ाकर 147 कर देती है। अब इसी क्रम में आगे आता है क्या, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। क्या होता है, थर्ड गोलमेज सम्मेलन। ये कब होता, कब है, तो ये होता है 17 दिसंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक। इसमें कुल 46 सदस्य ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस, जो भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने भाग नहीं लिया। तो ये हो गया आपका पूना समझौता। अब चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आता है अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव, यह कब होता है, तो यह 8 अगस्त 1940 को होता है, 8 अगस्त 1940। इसमें लॉर्ड लिनथिगो, इसमें लॉर्ड लिनथिगो ने यह पेश किया कि हमें विश्व युद्ध में, भारत से उसने कहा कि हमें विश्व युद्ध में सहयोग करें और हम युद्ध जीतने के बाद भारत के लिए संविधान निर्माण करेंगे और धीरे धीरे भारत को स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन इस बात पर समिति नहीं बनती है। फिर आगे आते हैं, देखिए ये हो गया आपका अगस्त प्रस्ताव। जिस हिसाब से आपका सिलेबस है उसमें आपको बहुत विस्तृत नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना मैं आपको बताते चल रहा हूँ। अभी हो गया आपका अगस्त प्रस्ताव, आगे आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, उसमें हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन कब आता है, तो क्रिप्स मिशन 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है। इस मिशन को चर्चिल ने भेजा था, इसका भी यही मतलब था कि आप सेकेंड विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए, हम आपके लिए संविधान निर्माण करेंगे। इस प्रस्ताव को गांधी जी ने उत्तर दिनांकित चेक कहा था, क्या कहा था, उत्तर दिनांकित चेक कहा था। किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। 5 जुलाई 1942 को हरिजन पत्र में गांधी जी ने कहा, अंग्रेजों तुम भारत को भारतीयों के लिए छोड़ जाओ, ऐसा न हो जापानी भी हम पे राज करे। उसमें क्या हो रहा था, जो जापान की सेना थी वह विश्व युद्ध में थी और वह बहुत तेजी से भारत की तरफ, एशिया की तरफ बढ़ रही थी, तो गांधी जी ने 5 जुलाई 1942 को हरिजन पत्र में यह कहा कि अंग्रेजों तुम भारत को भारतीयों के लिए छोड़ जाओ, ऐसा न हो कि हम पे जापानी भी राज करे। तो ये तो हो गया आपका क्रिप्स मिशन। आगे हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। यह जो चल रहा है वीडियो पूरा पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन क्या होता है, 8 अगस्त 1942 कब, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और इसकी जो भूमिका थी वह 5 जुलाई से ही बनना शुरू हो गई थी। इसकी घोषणा कांग्रेस ने वर्धा बैठक, वर्धा में उसकी एक बैठक हुई, कहां पे, जगह याद रखिएगा आप,
वर्धा, वर्धा में एक बैठक होती है, और 14 जुलाई कब इसकी तैयारी होती है, 5 जुलाई से, और 14 जुलाई को क्या होता है, 14 जुलाई को नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया और गांधी जी ने समर्थन किया, और उन्होंने कहा करो या मरो, डू और डाई, यह ना किसने दिया, गांधी जी ने, करो या मरो। और 8 अगस्त 1942 से ही भारत छोड़ो आंदोलन पारित होता है, और 9 अगस्त जब यह 8 अगस्त को यह आंदोलन शुरू हो जाता है, तो 9 अगस्त को रात को ऑपरेशन जीरो आवर, क्या ऑपरेशन, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है, और सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 8 अगस्त को जब यह ऐलान होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किया जाएगा, तो 9 अगस्त को रात में ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों द्वारा चलाया जाता है। उसमें यह होता है कि जो भारत के महत्वपूर्ण नेता है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखिए किन किन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें किन किन जेलों में रखा जाता है, किन किन जगहों पे रखा जाता है, तो देखिए गांधी जी, और इन्हीं के साथ सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, साथ में ही कस्तूरबा गांधी, इन तीनों को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है, और इन्हें आगा खा पैलेस, कहां पे, इन तीनों को आगा खा पैलेस मुंबई में रखा जाता है, कहां पे, आगा खा पैलेस मुंबई में इन्हें रखा जाता है। अब देखिए अब आगे आता है, ये तो हो गया, अब देखिए आगे आता है राजेंद्र प्रसाद, कौन, राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद को बाकीपुर जेल, कहां पे, बाकीपुर जेल में रखा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं ये, इन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा जाता है, कहां पे, अल्मोड़ा जेल। इसी समय रेडियो प्रसारण के माध्यम से ही भारत छोड़ो क्या होता है, इस समय रेडियो था, और रेडियो प्रसार के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार हो रहा था, जिसमें उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया शामिल थे। तो इस प्रकार से आपका जो इतिहास था, मॉडर्न इंडिया था, ये हो गया। अभी कुछ हम जैसे जो धार्मिक आंदोलन थे, जैसे प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इन सब की जो है इससे भी पढ़ाया जाएगा। और कल तक आपको इतिहास पूरा करके कल से भूगोल प्रारंभ, कल से क्या, परसों से भूगोल प्रारंभ कर दिया जाएगा। और जो आपका सिलेबस है उसमें सोशल साइंस में, उसमें इतिहास है, भूगोल है, और इकोनॉमिक्स भी है। आपका सिलेबस आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा कर दिया जाएगा। और आपको मैंने पहले ही बताया कि आज का जो क्लास था वह लाइव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नेट की प्रॉब्लम थी, आज नेट चल ही नहीं रहा था। जब अगर कल नेट बिल्कुल सही रहेगा तो जो आपकी क्लास होगी वह क्या होगी, वह क्लास लाइव होगी। और आप जानते हैं कि जो हमारा समय है लाइव का वह 7:15 से क्या है, 7:15 से आपका जो सोशल साइंस है, और 8 बजे से क्या है, मैथ की क्लास है। और आप लोगों को कमेंट आ रहा है कि इंग्लिश की क्लास, तो आप निश्चिंत रहिए, इंग्लिश का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, और आपके एग्ज़ाम से पहले इंग्लिश की जो वीडियो होगी वो आप तक पहुंच जाएंगी। और आपसे ये निवेदन है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश ज़रूर जुड़ जाए। आप इसको इसके इससे आप कैसे जुड़ सकते हैं, तो आप अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए, और वहाँ पर बिना स्पेस दिए दुर्गेश सर
सर्च कीजिए। जैसे ही आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे वहाँ पे आपको हमारा चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पे टेट, सी टेट और सुपर टेट प्रतियोगी परीक्षा की ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस चैनल पे आप लिखित नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।